जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में दो बार चूक हुई। होशियारपुर में पहले तो एक युवक भागते हुए आया और जबरन राहुल के गले लग गया। इसके बाद एक संदिग्ध भी राहुल के काफी करीब पहुंच गया था। युवक जब राहुल के गले लगा तो पंजाब कांग्रेस चीफ राजा बंडिंग की मदद से राहुल गांधी ने धक्का देकर उसे दूर हटाया। इसके बाद बस्सी गांव में टी ब्रेक में जाते समय एक युवक सिर पर केसरी कपड़ा बांधे हुए राहुल के करीब आ गया। यह देख सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। ये दोनों घटनाएं लगभग 35 मिनट के भीतर हुई। यह स्थिति तब है जबकि पंजाब में राहुल गांधी को सबसे ज्यादा सिक्योरिटी दी गई है। यहाँ वह थ्री लेयर सुरक्षा में चल रहे हैं, जिसमें सबसे बाहर पंजाब पुलिस का घेरा है। उसके बाद पंजाब पुलिस व स्टेट सीआईडी की रस्सी के साथ घेरे की सुरक्षा है और अंत में राहुल की सिक्योरिटी है। पहले 5 दिन राहुल की यात्रा में कोई ऐसी चूक नहीं हुई। कल शाम को ही उन्होंने सीएम भगवंत मान को अरविंद केजरीवाल के दबाव में न आने की बात कही है। वही जबलपुर जिला अदालत के विशेष कोर्ट ने क्षेत्रीय परिवहन कार्यालय जबलपुर के तत्कालीन आरटीओ संतोष पॉल और उनकी पत्नी, जो कि आरटीओ विभाग में ही एलडीसी के पद में पदस्थ हैं, रेखा पॉल, उनके खिलाफ आय से अधिक संपत्ति के मामले में जांच रिपोर्ट मांगी है। विशेष न्यायाधीश अमजद अली की कोर्ट ने जबलपुर ईओडब्ल्यू के एसएमपी को 20 फरवरी तक हर हाल में रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने जुलाई 2022 में ईओडब्ल्यू के मामले में जांच करने के निर्देश दिए थे। इस मामले में जबलपुर निवासी धीरज कुकरेजा ने परिवाद दायर किया था। परिवादियों की ओर से अधिवक्ता मनीष मिश्रा ने बताया कि शिकायत के बाद भी कार्रवाई नहीं हुई, इसलिए कोर्ट में परिवाद दायर किया गया है। पूर्व में कोर्ट ने 18 अगस्त 2022 तक रिपोर्ट पेश करने को कहा था। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़ जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।